वहां के पसीना तू पीछे चढ़ाई सलीना करीना के तेरे पीछे आंदे होया महीना तू नागा दी बच्ची ये काबू नहीं होंदी ते बन के सपेरा बजाऊंदा मैं बिना। सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं भंडारी व्लॉग्स। तो गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज गाइस मैं था घर पे आ रखा, तो मतलब घर पे क्या मतलब गांव पे आ रखा था। तो यहाँ है हमारा एक शादी अटेंड करनी है, उसके बाद हमें टीरी जाना है, टीरी में भी एक शादी अटेंड करनी है। तो अभी यहाँ एक शादी अटेंड करते हैं, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। फिलहाल ये अपने साथ एक भाई वगैरह भी हैं, ऊपर अपनी दादी वगैरह भी जा रही हैं। सीधे अब दिखाते हैं आपको शादी में। यहाँ से मेरा घर गुड़ दिख, ये पीछे साइड जो टॉप पर दिख रहा है वो मेरा घर है। इसके बाद ऊपर जाते हुए दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलो रास्ते से जाते हुए दिखाते हैं। सो गाइस यहाँ से अभी जा रहे हैं हमारे गांव का रास्ता मंदिर के लिए। ये मेरे साथ एक भाई है मेरा। ये मेरे दादाजी हैं। हाँ दादाजी, नमस्ते। नमस्ते 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 गाइस। ये अपने गांव का मंदिर ऐसा दिखता है कुछ। तो अभी शादी में चल के दिखाएंगे आपको सीधे। We'll be right back.
भाई जेरे मेरे यहाँ पे ताई की मम्मी बड़े दादा अब तो सब सुनाई देगा। हेलो गाइस, मैं 10 बार तो इन्होंने, ये दोनों ने, दीदियों ने एक जैसे कपड़ा पहन रखा है। दादी दादी एक बात बता सकते हो, सबके सब पीले कपड़े क्यों पहनते हैं? हल्दी है हमारे गांव में, ये मतलब गढ़वाल का कल्चर है। ये क्या है? ये हमारा पहाड़ी कल्चर है। पहाड़ी कल्चर है, पीले कपड़े हल्दी में, पीले कपड़े ही पहनने चाहिए, शुभ होता है। शुभ होता है। आपने ऑरेंज क्यों पहने तब? ऑरेंज भी चलता है, ऑरेंज येलो, ऑरेंज रेड, रेड भी चलता है। काला नहीं चलता? नीला इनके फिर से ड्रामे स्टार्ट होते हुए 10 बार सेल्फी खींची है और 10 में से एक भी पसंद नहीं आई है। वाह, मैं तो पक्का मीम डालूंगा। गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। यहाँ लड़कियों का रील वगैरह बन रही है, दादी वगैरह की फोटो खींच रही है, तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। सो गाइस, मेरे साथ हो चुका है बहुत बड़ा स्कैम। इतना बड़ा स्कैम हो चुका है कि मैंने दीदी, जो यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी थी, उनको मैंने गलती से बोल दिया है दीदी, और वो मेरे से इतनी छोटी हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। 14, 15, 16 साल की लड़कियाँ हैं और मैं खुद 17 साल का हूँ। तो इन्होंने, ये दोनों ने, दीदियों ने एक जैसा कपड़ा पहन रखा है। मैं उन्हें दीदी बोल रहा था, जो यहाँ पे रील बना रही थी मैं उसको भी दीदी बोल रहा था। मीम ही डाल दूँगा, इतनी बीती हुई थी मेरे पे। क्या होगा भाई मेरा, इससे बढ़िया मौत करना, मौत मरना बेहतर है। तो गाइस अभी मैं इस दुख से ओवरकम करता हूँ, तब तक आपको दिखाते हैं आगे का खाना वगैरह, अगर कुछ बीच में शॉर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे तो वो दिखाते हैं। चलो मिलते हैं गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे हर जगह ही गाना वगैरह चलते हुए चल रहा है, यहाँ इनका डांस चलते हुए मेरी बहन लोगों का, कुछ भी नहीं हो रहा है ठीक है। और यहाँ नीचे में आप देख सकते हो, वो तो कट कर दूंगा मैं, सबको देख सकते हो आप। अभी यहाँ गाइस मंगल स्नान वगैरह हो रहा है, नीचे ताई जी वगैरह बैठी हैं, मैं छत पे आ रखा हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है। ये क्या है, हमारे पकौड़ी और सूजी ला रखी है शायद से। हेलो हेलो हेलो, नीचे से हाई कर रहे हैं सबका सब। हाँ मैं भी खाऊँगा, चल नीचे चलते हैं, पहले खाते पीते हैं तब उसका देखते हैं। गाइस ये मेरी छोटी बहन है, गांव में ही रहती है, हाय क्या शर्माती है, हाय भी बोल सकती है। क्या खाना बन गया? थोड़ा सा तेज बोल ले। आयु अपना नाम तो बता दे। मेरा नाम आयुषी भंडारी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? कितने साल की है? 11। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और कुछ? और कुछ नहीं है। तेरी बहन का नाम क्या है? मेघा भंडारी। मम्मी का नाम? सीमा भंडारी। पापा का नाम? सीमा देवी। पापा का नाम बलवंत सिंह। थैंक यू सो मच, अब आप कृपया करके जा सकते हैं। ए? Thank you.
गाइस अभी यहाँ पे हम खा रहे हैं भड्डू की दाल भात। अभी मेरे पास से भाई है दाल भात ही भात, सूखा भात वो भी, और मेरा माइक ने मुझे धोखा दे दिया, फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सामने पे तो देख सकते हो आप गाँव का सीन है, तो ऐसा वैसा है। मैं अभी वापस टीवी आ चुका हूँ, तो ये सामने पे कुछ लड़कियाँ वगैरह बैठ रही हैं, दीदी वगैरह हैं, एक एड़थ में है, एक बगल वाली दीदी है, बाकी दादी वगैरह बैठ रखी हैं। बाकी रसोई अभी तक आया नहीं, हर जगह तो भाती भात गिरा हुआ है सब, कोई कोई तो सूखा भात भी खा रहा है। इनको आप जानते नहीं होंगे, ये मेरी मम्मी है, वैसे पहली बार देख रहे होंगे वो अलग बात है। तो मेरा माइक ने मुझे धोखा दिया, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा था, उसके लिए सॉरी। और ये आगे पे मेरी बहन है जो इतना मेकअप करके बैठी हुई है, इसके मुंह पे थोड़ा सा पानी मारना है, और इसके बगल में मेघा है जिसके मुंह पे पानी मारना है। इन तीनों के मुंह में पानी मारूंगा तो सारा मेकअप नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पे इतनी सारी दादी वगैरह बैठी हैं, खाना आ रहा है, गिलासे वगैरह लगे हैं, तो समझ तो आ नहीं रहा कि क्या करना है क्या नहीं। ये देखो रसोईया भात लेके चलेगी, अब दाल पता नहीं 10 घंटे में आएगी। और यहाँ मेरे को मिली थी एक साथ में दीदी, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया शायद इनके शक्ल पे। तो हाँ ये रही दीदी, ये यहीं रहती हैं, बगल में मेरे दादाजी भी मुझे देख रहे हैं, तीन तीन दादा मेरे। वैसे मेरे गांव में सब मेरे दादाजी हैं, तो इनको हम तब से आधे घंटे से लगे हुए तो बोलने पे थे कि यहाँ देखो यहाँ देखो, ये देख ही नहीं रहे थे। मौसी जी तो लगी हुई थी देखने में, और देखो मौसी जी की रिएक्शन, वाह मौसी जी तो देखने पे ही लगी हुई है, क्या बोल सकते हैं मौसी जी को। मैं तो इसको लगा हुआ था दिव्या यहाँ देख, दिव्या यहाँ देख, दिव्या यहाँ देख, देखी नहीं रही थी, क्या कर सकते हैं बाकी कुछ नहीं। ओहो मैं तो बहुत थका हुआ हूँ यहाँ आके टीवी आके, तो मेरा माइक ने मुझे धोखा दिया यार। मतलब माइक से मुझे इतनी, अब तो मेरे को माइक चेंज करना पड़ेगा, पर हाँ इसका मफलर यार मेरे यहाँ गाँव में खो चुका है, तो अब सारा विंड ब्लास्ट वगैरह आएगा। बस दादी वगैरह के साथ मैंने थोड़ा बहुत बकैदी मारी, तो जैसे कि दादी देख रही है, दादी पता नहीं क्या बोल रही थी, मेरे को तो अब याद भी नहीं है क्या क्या बोला है। तो वैसे मेरी प्लेट तो पूरी खाली है, और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि सब कुछ चमक रहे, देख सकते हो मेहंदी मुंदी लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग, जैसे इन्हीं की शादी होगी। ओहो दादाजी नमस्ते, दादाजी तो ऐसे देख रहे हैं आधे घंटे से जैसे पता नहीं क्या होगा। कुछ दादा बात कर रहे हैं, एक दादा तो मुझे ही घूरे जा रहे हैं बस, वो देखो स्माइल भी कर रहे हैं। अच्छा ऐसा भी होता है, ये दीदी तो बार बार देख के स्माइल ही दे रही थी। ओहो तो गाइस अभी रसोईया आ गया है दाल लेके, तो अब शायद से मेरे खाने में आएगी दाल आधे घंटे में, क्योंकि अभी तो वापस चलेगी देख सकते हो आप। तो पहले वो एक जगह देगा फिर दूसरी जगह देगा। तो गाइस अब आगे मिलते हैं खाना खाने के बाद आप लोगों को, तब तक आप वीडियो एंजॉय करो, और सॉरी माइक खराब। तो गाइस अभी हमारा हो चुका है खाना वगैरह ख़त्म, तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, नाच रहे हैं इधर से उधर, मेरा सर खराब हो रहा है, अल्लाह का अड्डा हो रहा है यहाँ। हाँ आ जा तू भी आ जा देख ले आ जा। वाह 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 क्या बोला है, धन्यवाद तुम्हारा जो भी मैंने बोला है। तो थोड़ी देर में हम निकलते हैं यहाँ से टीरी के लिए, तो जाते हुए दिखाते हैं आपको, मैं आते हुए नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बाजी में निकले, तो अभी सीधे जाते हुए दिखाते हैं आप लोगों को। अगर तो रुक गए तो तब का प्लान अलग है, पर फिलहाल अभी देखते हैं आगे क्या सीन होता है, तो वीडियो में बने रहो। जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर नहीं किया शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या सीन बैठता है, अगर जाएंगे तो जाते हुए का व्यू दिखाते हैं, अगर रुकेंगे तो थोड़ा इधर उधर का मैं व्यू दिखा दूंगा आपको, मेरा गाँव कैसे दिखता है। तो मिलते हैं। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good,
You look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars. So hey, good morning guys. तो हम रात भर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके थक गए थे, तो मैंने रात को वीडियोस वगैरह नहीं बनाई. अभी मैं वीडियोस वगैरह एडिट कर रहा हूँ अपने इस फ़ोन से. तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. जिसने लाइक नहीं करा लाइक करो, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. टिल देन गुड बाय, मिलते हैं न्यू वीडियो में.